नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं मैं क्रिकेट प्रो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलकाता और हैदराबाद के बीच जो अभी 8 बजे मैच खेला जाएगा, ईडन गार्डन में मैच होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ड्रीम 11 की टीम है वो बनाएंगे और साथ ही आपको प्लेइंग 11 बताएंगे दोनों टीम की और कौन सी टीम ये मैच जीतेगी वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं और दोनों टीम की क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, कोलकाता की हम प्लेइंग 11 की बात करें तो क्रिस लिन, सुनील नारायण, रॉबिन उत्थपा, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, टॉम कुरन या फिर मिचेल जॉनसन में से दोनों कोई चॉइस हो सकते हैं। तो आप चाहे तो दोनों को छोड़ दीजिए या फिर आप टॉम कुरन को ले सकते हैं। उसके बाद विनय कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला। तो दोस्तों, ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो आज कलकत्ता के लिए खेलने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, 4 ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो उसमें आ जाएंगे क्रिस लिन, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, मिचेल जॉनसन या फिर टॉम कुरन में से कोई एक खेलेगा। तो दोस्तों, ये 4 प्लेयर होने वाले हैं आज के कलकत्ता के में प्लेइंग 11 के में। तो दोस्तों, कोलकाता की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम सनराइज़र हैदराबाद से कंपेयर करेंगे तो। तो चलिए दोस्तों, हम सनराइज़र हैदराबाद की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सनराइज़र हैदराबाद की टीम में शिखर धवन, रिद्धिमान शाह, केन विलियमसन, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, यूसुफ पठान, शकीबुल हसन, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार या फिर संदीप शर्मा में से कोई चॉइस हो सकती है, क्योंकि जो भुवनेश्वर कुमार थे उनको इंजरी थी लास्ट मैच में। हालांकि फिटनेस टेस्ट उन्होंने पास किया है या नहीं उस पर कोई अभी न्यूज़ नहीं आई है। तो आप रिस्क ना ही लें, उनको आप ना ही लें तो ही अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं खेलते हैं तो संदीप शर्मा खेलेंगे, उसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ कौर और बिली स्टैनले। तो दोस्तों, बाकी जो 4 ओवरसीज प्लेयर होने वाले हैं वो होंगे बिली स्टैनले, रशीद खान, केन विलियमसन और शकीबुल हसन। तो दोस्तों, ये 4 खिलाड़ी होने वाले हैं सनराइज़र हैदराबाद के लिए। तो दोस्तों, ओपन की बात करें तो ओपनिंग पे रिद्धिमान शाह के साथ शिखर धवन आते हैं, उसके बाद केन विलियमसन, मिडल ऑर्डर मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, यूसुफ पठान और शकीबुल हसन। तो दोस्तों, ये इनका मिडल ऑर्डर हो जाता है और ये इनका बॉलिंग का हो जाता है ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों, अब हम ड्रीम 11 की टीम की बात करते हैं। तो ड्रीम 11 की टीम हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 11 खिलाड़ी और कौन कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन होने चाहिए। और साथ ही मैं आपको जो भी मैंने टीम न्यूज़ दी हो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, टीम ड्रीम 11 के हम बताएंगे। तो दोस्तों, 6 प्लेयर मैंने कोलकाता के लिए, 5 प्लेयर मैंने हैदराबाद के लिए। विकेट कीपर में अगर हम चॉइस देखें तो दोनों ही बढ़िया विकेट कीपर है। रिद्धिमान शाह हालांकि ओपनिंग करते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट इस मैच में दिनेश कार्तिक है जो कि मिडल ऑर्डर सॉलिड बैट्समैन है। उसके बाद ही दोस्तों, अगर हम बैट्समैन की बात करें तो 5 मैंने बैट्समैन लिए हैं, क्योंकि हैदराबाद का जो विकेट है वो बैटिंग पिच है, कोलकाता का जो पिच है वो बैटिंग पिच है और वहाँ पे 176 भी कोलकाता ने आसानी से चेस कर लिए थे। तो दोस्तों, शिखर धवन, क्रिस लिन, केन विलियमसन, मनीष पांडे, उसके बाद नीतीश राणा। तो दोस्तों, आप नीतीश राणा को ड्रॉप करके दीपक हुड्डा भी ले सकते हैं या फिर मनीष पांडे को हटा के रॉबिन उत्थपा भी ले सकते हैं, लेकिन रॉबिन उत्थपा का क्रेडिट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगा, इसलिए मैंने मनीष पांडे को लिया है। ऑलराउंडर की दोस्तों हम बात करें तो ऑलराउंडर मैंने 2 ही लिए हैं, दोनों ही मैंने कोलकाता के ऑलराउंडर लिए हैं, सुनील नारायण और आंद्रे रसल। तो दोस्तों, सुनील नारायण के साथ एक आपको एडवांटेज है, वो ओपनिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ खेलते हैं वो। उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बॉलर की बात करें तो कुलदीप यादव, सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार पे दोस्तों अभी कोई अपडेट है नहीं मेरे पास तो इसलिए मैंने उनको नहीं लिया, और साथ ही मैंने बिली स्टैनले को लिया है। तो दोस्तों, टीम प्रीव्यू हम एक बार ही देख लेते हैं कि टीम प्रीव्यू क्या होगा हमारा। दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, नीतीश राणा, मनीष पांडे, क्रिस लिन, केन विलियमसन, आंद्रे रसल, सुनील नारायण। और दोस्तों, अगर हम बॉलर की बात करें तो बॉलर दोस्तों सिद्धार्थ कौल, कुलदीप यादव और बिली स्टैनले। तो दोस्तों, मैंने 5 बैट्समैन खेले हैं, आप चाहे तो एक बैट्समैन ड्रॉप करके कोई आप बॉलर ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों दोनों ही हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन जिनको मैंने बनाया है, शिखर धवन बहुत बढ़िया फॉर्म में है और सुनील नारायण भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है, दोनों ने ही IPL में बढ़िया शुरुआत करी है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन आप जिनको बना सकते हैं वो हैं क्रिस लिन और मनीष पांडे, आंद्रे रसल भी ज़्यादा अच्छा बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, उन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और आप चाहे तो दोस्तों कुलदीप यादव को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग इन्होंने करी है। तो दोस्तों, ये है वो 11 खिलाड़ी ड्रीम 11 के
जितनी मैंने अपडेट दी है, जो भी मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बताई है, वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।